तो आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आइसक्रीम वाले क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहते हैं, तो इसका प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो यहां पर क्या कहा गया है, इसने कहा कि एक आइसक्रीम कोन है। ठीक है, ये आइसक्रीम कोन है, इसका टोटल हाइट है 10 सेंटीमीटर और इसका हमको रेडियस दिया है हमको 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, टोटल हाइट है 10 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि जो इसका ये जो आइसक्रीम है ना, ये पूरा का पूरा आइसक्रीम कोन है, अगर इसको देखें तो इसमें 1/6 पार्ट खाली है, अनफिल्ड है। इसमें 1/6 पार्ट खाली है जिसमें क्रीम नहीं भरा हुआ है, 1/6 पार्ट में क्रीम नहीं भरा हुआ है, खाली है। तो हमने बताना है कि कितना इसमें क्रीम भरा हुआ है, तो हमने आइसक्रीम कितना है इसके भीतर, ये हमने बताना है। करेक्ट, तो चलिए सबसे पहले निकालेंगे कि इस आइसक्रीम कोन का कितना पार्ट आइसक्रीम से भरा है। इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले इस पूरे कोन का वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है ना, तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पूरे कोन का वॉल्यूम निकालेंगे, तभी हमें पता चलेगा उसका 1/6 पार्ट कितना है। ठीक है, तो उससे फिर आगे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन। अब देखो यहां पर आइसक्रीम एंड आइसक्रीम कोन में फर्क है। आइसक्रीम जो अंदर भरी हुई क्रीम है, आइसक्रीम है वो, और आइसक्रीम कोन ये पूरा नीचे से ऊपर तक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आइसक्रीम कोन है और इसके अंदर जितना क्रीम भरा हुआ है वो आइसक्रीम है, इस तरीके से समझते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन कैसे निकाला जाएगा, तो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन को निकालने के लिए, इस पूरे आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम निकालने के लिए हमें यहां पर जो ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है और यहां पर जो ये कोनिकल पार्ट है, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। करेक्ट, अब ऊपर जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम तो हमें पता ही है कितना होता है, हेमिस्फेयर का वॉल्यूम होता है 2/3 πr³। आगे है प्लस तो लगाएंगे प्लस, फिर है वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट। हमें पता है कि जो कोन का वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 πr²h। अब क्योंकि ये जो है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो यहां पर रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर होना चाहिए ना। यहां पर ये वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट है, तो यहां पर रेडियस ऑफ ये कोन होना चाहिए, ये हाइट ऑफ कोन होना चाहिए ना, ये होना चाहिए। अब देखो याद रखो, ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है और जो ये कॉनिकल पार्ट है, यहां पर ये टच्ड है और आपस में यहां पर एक साथ चिपके हुए हैं और एक बराबर भी है यहां पर ऊपर जहां पर ये चिपके हुए हैं, इसलिए इन दोनों का रेडियस सेम होगा। रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट भी 5 होगा एंड रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट भी 5 होगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट एंड रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट दोनों के दोनों कितना होगा, 5 होगा, क्योंकि यहां पर ये दोनों ही आपस में टच्ड हैं। हेमिस्फेरिकल पार्ट भी यहां पर टच्ड है, देखो कॉनिकल पार्ट भी यहां पर टच्ड है, तो ये दोनों का रेडियस सेम होगा। ठीक है, तो रेडियस तो दोनों का सेम है, तो यहां पर हम एच एस नहीं लिखेंगे, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर नहीं लिखेंगे और यहां पर रेडियस ऑफ कोन नहीं लिखेंगे, दोनों को हम आर लेंगे। हाँ, तो यहां पर लिख भी देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट, दोनों के दोनों बराबर हैं और दोनों को हमने आर लिया हुआ है। ठीक है, यहां पर हमने आर लिया हुआ है दोनों को। अब देखो जो हेमिस्फीयर होता है ना, उसका जो हाइट होता है ना, वो रेडियस के बराबर होता है। हेमिस्फीयर का हाइट रेडियस के बराबर होता है। यहां पर जो ये हेमिस्फीयर है, इसका जो ये हाइट है वो रेडियस के बराबर होगा, तो हेमिस्फीयर का जो ये हाइट है वो कितना होगा, 5 सेंटीमीटर होगा। अब जो टोटल कोन है, इस टोटल कोन का ना, तो बोलते हैं कि जो टोटल आइसक्रीम कोन है, जो ये टोटल आइसक्रीम कोन है, सॉरी हाँ, ये जो टोटल आइसक्रीम कोन है, इसका हाइट हमें दिया है 10 सेंटीमीटर। अगर ऊपर वाला हाइट ये 5 सेंटीमीटर का है, तो नीचे वाला हाइट भी तो 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, है ना, होना चाहिए। हेमिस्फेरिकल पार्ट का जो हाइट होता है
वो रेडियस के इक्वल होता है, रेडियस इसका 5 सेंटीमीटर है तो हाइट भी 5 सेंटीमीटर होगा, पूरे आइसक्रीम कोन का हाइट है 10 सेंटीमीटर, इतना जो है वो 5 सेंटीमीटर निकल चुका है तो इतना भी 5 सेंटीमीटर होगा, यानी कि कोनिकल पार्ट का जो हाइट होगा वो कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट क्या होगा, एच सी ओ हमारा होगा 5 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट होगा 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, इस बात को याद रखना है। अब देखो यहां पर देखो नीचे 3 दिखाई दे रहा है, यहां पर भी नीचे 3 है, तो 3 बाहर कॉमन हो जाएगा, 1/3 बाहर कॉमन हो जाएगा, यहां पर भी डिवाइड में 3 है, यहां पर भी डिवाइड में 3 है, तो 3 को बाहर कॉमन ले लो, पाई यहां पर भी है, पाई यहां पर भी है, तो पाई को भी बाहर कॉमन ले लो, यहां पर रेडियस का क्यूब है, यहां पर रेडियस का स्क्वायर है, दोनों ही रेडियस इक्वल है तो रेडियस स्क्वायर को बाहर कॉमन ले लो, ठीक है, तो इस रेडियस क्यूब में से बच जाएगा आर, यहां पर एक 2 भी बचा है तो 2R यहां पर बच जाएगा, 2 यहां पर रह जाएगा, आर क्यूब में से आर एक यहां पर रह जाएगा, एंड बाकी सब चीजें 1/3 पाई आर स्क्वायर यहां से कॉमन आ जाएगा बाहर, फिर यहां पर प्लस है तो लगाएंगे प्लस। अब देखो यहां से 3 बाहर कॉमन जा चुका है, पाई बाहर कॉमन जा चुका है, आर स्क्वायर भी बाहर कॉमन जा चुका है, सिर्फ हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट रह गया है, तो एच सी ओ को यहां पर लिखेंगे। अब आगे सॉल्व करते हैं, अब देखो यहां पर है 1/3, यहां पर है पाई, पाई को हम लिख सकते हैं 22/7। अब रेडियस का स्क्वायर, और रेडियस तो हमें पता है, इस जो हमारा आइसक्रीम कोन है इसका रेडियस हेमिस्फेरिकल पार्ट का भी कितना है 5 है, कोनिकल पार्ट का भी 5 है, तो रेडियस यहां पर 5 है, तो यहां पर 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहां पर है ट्वाइस ऑफ आर, तो 2 ये हो गया आर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, फिर प्लस, फिर यहां पर है हाइट ऑफ कोन, अब हाइट ऑफ कोन कोनिकल पार्ट का, बस कोनिकल पार्ट का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर, तो यहां पर हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, करेक्ट, ये भी आ गया। अब ये कितना हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा 22/7, अभी तो कोई कैंसिल आउट हो नहीं रहा है, 22/7, और यहां पर 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना, एंड 2 5 10 है ना, 10+5 कितना हो जाएगा 15, 15 यहां पर भी आ जाएगा इंटू में, है ना, इंटू में 15 यहां पर भी आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, पूरे आइसक्रीम कोन का ये वॉल्यूम हो गया, लेकिन हमने ये नहीं निकालना कि इस आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कितना है, हमें ये निकालना है कि इसके अंदर आइसक्रीम कितना है, ठीक है, ये निकालना है। अब देखो इसमें कहा गया है कि 1/6 पार्ट जो है इस आइसक्रीम कोन का वो लेफ्ट अनफिल्ड, वो खाली है, वो खाली है, 1/6 पार्ट इसमें खाली है, तो भरा कितना है, भरा है 5/6 पार्ट, ठीक है ना, तो 5/6 पार्ट, 1/6 पार्ट तो खाली है तो 5/6 पार्ट भरा होगा, इस बात को याद रखना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस 1/6 पार्ट ऑफ आइसक्रीम कोन, है ना, आइसक्रीम कोन जो है इज लेफ्ट अनफिल्ड, वो खाली है, तो देयरफॉर कितना पार्ट भरा होगा ये हम निकालेंगे, ठीक है, देयरफॉर पार्ट फुल्ड विद आइसक्रीम वो कितना होगा, वो होगा 1 - 1/6, जितना खाली है उसको 1 में से माइनस कर दो, तो 6 बन जाए 6 हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5, तो 5/6 पार्ट जो है वो भरा होगा आइसक्रीम से, तो इसका ये जो पूरा कोन है हमारे पास में, इसका 5/6 पार्ट आइसक्रीम से भरा हुआ है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर टोटल आइसक्रीम इसमें कितना है, वो है 5/6 ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, अब ये 5/6 है हमारे पास में यहां पर, फिर इनटू और वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन ये है हमारे पास में, ये कितना है 1/3 इनटू 22/7 इनटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू
15 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब 3 से इसको कैंसिल आउट कर लो, 3 5 जा 15 तो ये हो जाएगा, तो 2 3 जा ये 6 हो जाएगा, 2 11 जा यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। और बाकी रह गया हमारे पास में 5 इंटू 11 इंटू 25 इंटू 5, है ना, तो 5 5 जा 25, 25 25 जा कितना हो जाएगा 6 टू 5, 6 टू 5 को 11 से इंटू करेंगे, तो 6 टू 5 को 11 से इंटू करेंगे तो आएगा, 6 टू 5 को 11 से इंटू करेंगे तो आएगा हमारे पास में 5 7 8 6, 6875। तो इन सब को इंटू करके हमारे पास में आएगा 6875। अब यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वेयर है, यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर यहाँ पर क्यूब, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में है, डिनोमिनेटर में है 3 into 7, तो हमने 21 से इसको डिवाइड करना है, ठीक है, 21 से इसको डिवाइड करना है, और 21 से डिवाइड करने पर इसको जितना भी आएगा वो वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम होगा। तो जब हम 21 से 6875 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 327.38, है ना, और आगे सेंटीमीटर क्यूब तो है ही। तो ये आ गया हमारे पास में कि कितना आइसक्रीम इस आइसक्रीम कोन के भीतर फिल्ड है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।